राजनीति में आने की? राजनीति में आने की क्या सोच थी आपकी? मुझे अच्छा लग रहा, मुझे ये लग रहा किसी की सहायता करो। मुझे ऐसे लग रहा कि मतलब कोई मजबूर है, गरीब है, उन्होंने कहा राशन कार्ड नहीं है मेरा, तो लेडीज फिर रही है उन्होंने के लिए राशन कार्ड नहीं है, हमारा आदमी फिर रह गया, हमें राशन नहीं मिला है। अपन अपने हम लोग हैं, हम लोग तो घर में मिल जाएगा, बाजार से लेके आएंगे। जो गरीब है इतना वो राशन के बल पे है, वो फिर रह गए, हमें मिल जाए राशन। परेशानी उनकी देख कर हमें अफसोस हो रहा कि उन्हें राशन नहीं मिल रहा। कोई विधवा है जैसे, वो फिर रही है कि मेरी पेंसिल नहीं आई है, तो मैं पेंसिल के लिए मैं मतलब लेडीज की सपोर्ट करना चाहती हूँ। लेकिन मैं ये सोचती कि वो भी तो अकेली थी, उसके साथ इतने दुश्मन थे, लेकिन वो लड़ी थी, गरीबी हालत से लड़ी थी, जैसे भी लड़ी थी। लेकिन मैं वो ही, मेरे अंदर वो ही उमक है। मैं झांसी की लड़की हूँ, तो मैं झांसी की रानी बन के जाती हूँ कि मैं सबकी सपोर्ट करूँ। ये मेरे अंदर जुनून है। उनके लिए घर में काम लाएंगे, कुछ ऐसे काम लाएंगे कि वो उनको आसानी से कर सकें, और नहीं आएगा तो सिखाएंगे, उनको सीखेंगे, सिखाएंगे, एक दूसरे को समझाएंगे, तो आएगा समझ में। कोई महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, उनको कुछ ऐसे घर के काम है, उससे मतलब घर का काम करने के बाद आप जो काम करो उससे आपको पैसे मिलेंगे। जैसे लोग कह रहे हैं कि वोट के पहले हमें हेडपम्प लगवा के दो, इलेक्शन के पहले, इस बारे में आपने क्या सोचा? लगवाएंगे, पानी, गरीब पानी पिएगा, हमें दुआएं देगा, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं पानी का हेडपंप लगवाऊंगी पहले लगवाऊंगी।